तो आप इंस्टाग्राम पर इस तरीके का वीडियो देखे होंगे, बट क्या आपको करना आता है? अरे ओही इस्मत सोलोमो, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अभी कुछ लोग बोलेंगे, भाई ये तो इजी है, सिंपली कैपकार्ट में जाएंगे, देन 0x तक माइनस करेंगे, देन इस्मत सोलोमो से अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। बट स्टिल तुम्हारा वीडियो मोशन हो जाता है एंड वो देखने में बिल्कुल टट्टी सा लगता है, मूड खराब कर दिया। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में आप लोग बताएंगे कैसे आप लोग स्मूथ स्लो मोशन उसके साथ ग्लो इफेक्ट एंड यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि आह करके कुछ आ रहा है, यहाँ पर जो सेक इफेक्ट है उसको कैसे ऐड करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है शूटिंग प्रोसेस कि आपको शूट कैसे करना है वीडियो को। तो अपना वीडियो को कुछ इस तरीके से शूट करना है। अगर आप लोगों को बैक फ्लिप आता है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, वरना आप जब गिरोगे ना तो उस टाइम तुम्हारा हाथ पहले आना चाहिए मिट्टी पर, वरना तुम्हारा हड्डी अगर टूट जाए तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सिंपल आपको इस तरीके से वीडियो को शूट कर लेना। अभी आता है स्मूथ स्लो मोशन। तो मैंने वीडियो को काट करके इतना सा छोटा कर लिया है, तो यहाँ पर देखो मैं कैसे स्मूथ स्लो मोशन को अप्लाई करता हूँ। वीडियो काट कर लेना, आप जहाँ से स्मूथ स्लो मोशन को ऐड करना चाहते हैं, देन चले जाना है स्पीड पे, एंड स्पीड पे जाने के बाद आपको चले जाना है नॉर्मल पे, एंड नॉर्मल पे जाने के बाद पहले इसको 0x तक नहीं करना है, ठीक है, पहले आपको 0.5x तक करना है। आप लोग गलती यहाँ पर ही कर देते हो, पहले 0.1x तक कर देते हो, देन स्लो मोशन लग कर जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको स्मूथ स्लो मोशन को अप्लाई करना है बेटर क्वालिटी में। तो अभी मेरा प्रोसेस देखना, मैं किस तरीके से स्लो मोशन को अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो मेरा यहाँ पर एक स्लो मोशन ऐड हो गया, देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली जो वाला क्लिप से उसको डिलीट करूंगा एंड उसके बाद इसको मैं 60fps में सेव करूंगा। देन यहाँ पर आपको डन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको जो लेफ्ट साइड में एरो दिखाई दे रहा है ना उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर चले जाना है अगेन, एंड यहाँ पर जो इनोड बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, तुम्हारा क्लिप्स अगेन वापस आ जाएगा। देन इस क्लिप को आपको डिलीट कर देना है, अगेन आपको प्लस के अगेन पर क्लिक कर लेना है, देन तुम्हारा जो क्लिप्स आपने अभी सेव किया उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, एंड इसको ऐड करने के बाद अभी चले जाना है इस पर अगेन, एंड अगेन जाना है नॉर्मल पे, एंड अगेन इसको 0.5x तक करना है, एंड यकीन मानना गाइस इसको करने के बाद तुम्हारा क्लिप्स में जान आ जाएगा। तो हमारे वीडियो यहाँ पर काफ़ी हद तक स्लो मोशन ऐड हो चुका है, बट यहाँ पर और भी ज़्यादा स्लो मोशन चाहिए, तो क्या करना है, सिंपली अगेन इसको डिलीट करेंगे, देन उसके बाद आपको अगेन यहाँ पर 60fps करके वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, एंड अगेन आपको लेफ्ट साइड में क्लिक कर लेना है, अंडो पर क्लिक कर लेना, देन अगेन तुम्हारा वीडियो को ऐड कर लेना है। देन अभी देखना है कि तुम्हारा स्लो मोशन कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है। और भी ज़्यादा स्मूथ स्लो मोशन चाहिए तो सिंपली चले जाना स्पीड पे अगेन, एंड यहाँ पर 0.2x तक कर दिया हूँ, देन उसके बाद मैं स्मूथ स्लो मोशन पे अगेन क्लिक करके बेटर क्वालिटी कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अप्रोक्स 3 टाइम स्मूथ स्लो मोशन यूज़ किया। अभी सिखाएंगे कैसे ग्लो इफेक्ट को ऐड करना है वो भी स्मूथ, देन उसके बाद लास्ट में सिखाएंगे वो वाला सेक इफेक्ट को। तो अभी पूरा स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई हो चुका है, अभी आप यहाँ पर ग्लो इफेक्ट ऐड करने का बारी। तो इसके लिए चला जाना है आपको सिंपली इफेक्ट्स में, वीडियो इफेक्ट पे जाना है, एंड यहाँ पर जो कलर फ्लैश रहेगा उसको आपको ऐड कर लेना है। अगर आप लोग कैपकार्ट का न्यू वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर कलरलेस फ्लैश ही लिखा हुआ आएगा, बट अगर आप लोगों के पास ओल्ड वर्जन है तो वहाँ पर वाइब्रेशन फ्लैश दिखाई देगा। तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे, देन जो स्पीड रहेगा उसको माइनस कर देंगे, एटमोसफियर को प्लस करेंगे, देन उसके बाद जो कलर रहेगा आपका जो भी कलर पसंद है आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रीमी कलर देने वाला हूँ, एंड इसका जो रेंज रहेगा रेंज मैं इतना तक दूंगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, देन उसके बाद मैं सॉन्ग को ऐड कर लूँगा, एंड अगर आप लोगों को ये वाला सॉन्ग चाहिए तो बोल देना यार, मैं दे दूंगा इसको भी। 1 मिनट रुको गाइस, मैं क्लिप्स को मैच कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हमारा क्लिप्स यहाँ पर मैच हो चुका है, देन उसके बाद जो सेक इफेक्ट आ रहा है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर वो वाला आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम सिंपली इफेक्ट्स में अगेन, वीडियो इफेक्ट में जाएंगे, ओपन एंड क्लोजिंग में जाना है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, देन यहाँ पर देखा जाएगा वर्टिकल ब्लर, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, देन इसको छोटा कर लेना है लाइक इतना तक, देन इसका बीच में की फ्रेम ऐड करना है, देन इसका लास्ट में की फ्रेम ऐड करना है, इसको 0 कर देना, देन फास्ट में चला आना है, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड करना है, इसको 0 कर देना, ठीक है, इन एंड आउट पे 0 रखना है, देन जो बीच का की फ्रेम रहेगा वहाँ पर रखना है 50 तक। थोड़ा सा यहाँ पर और मांग रहा है मिडिल वाला की फ्रेम में, जिसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। तो इस वीडियो में यही वाला सेकी पट को यूज़ किया गया है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहाँ पर तैयार हो चुका है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं SFX वीडियो एडिटिंग करना, लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों वीडियो दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों ट्यूटोरियल ही फाड़ू ट्यूटोरियल है, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपना वीडियो में।